इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बीजेपी का स्टेज पर जाके मीटिंग करता है और बोलता है टीवी में नजर रखना और अगला दिन दंगे होता है, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? किसका कहने पे हुआ है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और हर बार रामनवमी को क्यों? इतने फेस्टिवल्स होता है देश में, दुर्गा पूजा होता है, दिवाली होता है, होली होता है, हर एक पर्व हम लोग मनाते हैं खुशी से, प्यार से। ये तोड़फोड़ का जो राजनीति है, ये खाली रामनवमी में क्यों होता है? कभी राम का पूजा कोई पिस्तौल लगा के करता है क्या, या डीजे बजा के करता है? राम 14 साल वनवास में गया, हमारे लिए तो वही राम है, हमारे लिए तो वही श्री राम, प्रभु राम है। राम का पूजा थोड़ी ना डीजे बजा के किया जाता है, बंदूक टांग के किया जाता है, डरा के किया जाता है, धमका के किया जाता है, प्यार से किया जाता है। सुतरां जरा भाबछे जे आमरा एई भावे धारावाहिक भावे हिंदू मुसलमानदेर मध्ये विभाजन करे एलाकार शांति श्रृंखला नष्ट करे राजनैतिक भावे आमरा फायदा तुलबो, तारा मूर्खेर स्वर्गे बास करछे। तार कारण বাংলায় একটা কথা কথা আছে, মানুষ ঠকে শেখে, এরা ঠকেও শেখে না। এরা 2021 সালে মুখ থুপড়ে পড়েছে এই সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি করতে গিয়ে, তারপরেও আজও একই পথে চলছে, একই রাস্তার পথিক। আমি মানুষের কাছে অনুরোধ করব যে এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা এবং সম্প্রীতি যারা নষ্ট করতে চাইছে তাদের একজনকেও আগামী দিন রাজনৈতিকভাবে আপনারা ছাড়বেন না। বাংলার বিরুদ্ধে দিল্লিতে গিয়ে বড় বড় কথা খালি নিজের পিঠ আর ঘাড় বাঁচানোর জন্য, আর কি করে বাংলার মানুষকে ভাতে মারা যায়, বাংলাকে অশান্ত করা যায়, বাংলার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে দেওয়া যায়। আমরা বঙ্গবাসী, আমরা কেন হিন্দু মুসলমান করব? একদল যারা বিজেপির পতাকা নিয়ে রাস্তায় নেমে জয় শ্রীরামের স্লোগান, হিংসা পর नेता अभिषेक बैनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया है। पहली बात उन्होंने ये कहा कि शोभा यात्रा के लिए परमिशन नहीं ली गई, और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि बीजेपी के नेता ही जो है कह रहे थे कि टीवी पर नजर रखो और उसके बाद ये हिंसा होती है। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इस हिंसा के पीछे भारतीय जनता पार्टी भी ही है। Z News।